मित्रों, जब जब भी धरती पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान विष्णु धर्म की पुनः स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 9 अवतार श्रीहरि पहले ही ले चुके हैं, जबकि 10वां कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। तो मित्रों, आखिर कब और कहां जन्म लेंगे कल्कि भगवान? उनका ये अवतार कैसा दिखेगा और वो इस अवतार में किसका वध करेंगे? और भगवान कल्कि से जुड़ी ऐसी 10 बातें जानेंगे जिनसे अधिकतर लोग अनजान हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, कल्कि अवतार से जुड़ी पहली बात ये है कि भगवान विष्णु का ये एकमात्र ऐसा अवतार है जिसके जन्म लेने से पहले ही उनकी जयंती मनाई जाने लगी है। दरअसल भगवान कल्कि के जन्म को लेकर कई मत हैं। एक मत के अनुसार भगवान का जन्म शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को होगा, जबकि एक दूसरे मत के अनुसार सावन मास की 6 तिथि को भगवान कल्कि इस धरती पर जन्म लेंगे। और मित्रों, इन दोनों ही तिथियों को आज के दौर में कल्कि जयंती के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार का विस्तृत उल्लेख हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल गांव में होगा। उनके पिता का नाम विश्वयश और माता का नाम सुमति होगा। और मित्रों, ये दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। तीसरा, मान्यताओं की माने तो भगवान विष्णु का ये अवतार 64 कलाओं में निपुण होगा। जब लोगों के हृदय में सिर्फ अधर्म भर जाएगा तो भगवान कल्कि ही लोगों को अधर्म से धर्म के मार्ग पर लेकर आएंगे। श्रीमद् भागवत के 12वें अध्याय में भगवान कल्कि की कथा विस्तार से दी गई है। इसमें बताया गया है कि ये अवतार भगवान विष्णु का 10वां और आखिरी अवतार है, जिसके बाद कलयुग का अंत और सतयुग की पुनः शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान राम की ही तरह भगवान कल्कि के भी 4 भाई होंगे। उनकी 2 पत्नियां भी होंगी, पहली माता लक्ष्मी के रूप में पद्मा और उनकी दूसरी पत्नी रमा होंगी। मान्यता है कि रामावतार के समय अर्थात त्रेता युग में वैष्णवी नाम की एक स्त्री ने जन्म लिया था, जिसने भगवान श्री राम से विवाह की इच्छा प्रकट की। तब भगवान राम ने ही उन्हें विवाह का वचन देते हुए अपने कल्कि अवतार के बारे में बताया था। तभी से वैष्णवी तपस्या कर रही है और उनकी तपस्या समाप्त होने के बाद कल्कि अवतार में भगवान विष्णु ही उनसे दूसरा विवाह करेंगे। चौथा, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे, इसीलिए आज भी भगवान परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करके कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। पांचवा, विष्णु पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि परशुराम जी की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे, जिसके बाद उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी और उनकी मदद से ही वो अधर्मी लोगों का सहार करेंगे। छठा, मित्रों, कल्कि अवतार के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो दुनिया के सभी राजाओं को पराजित कर उनका वध कर देंगे। वो सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि समुद्र पर भी राज करेंगे। सातवां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान कल्कि 64 कलाओं से युक्त होंगे, जो श्वेत रंग के घोड़े पर सवार होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के अनुसार इस घोड़े का नाम देवदत्त होगा। और इस अवतार में श्रीहरि के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में तीर कमान होगा, जिससे वो दुष्टों का संहार करेंगे। आठवां, इसके अलावा भगवान कल्कि के पास एक रहस्यमयी तोता भी होगा, जिसका नाम शुक होगा। ये तोता भूत, वर्तमान और भविष्य काल का संपूर्ण ज्ञाता होगा, जो समय समय पर अपनी शक्तियों से भगवान कल्कि की सहायता करेगा और कई तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देगा। नौवां, विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार तब होगा जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, जब धरती पर हर जगह सिर्फ पाप का बोलबाला होगा। लोग अधर्मी होंगे जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचेंगे। उन्हें ना तो शास्त्रों का ज्ञान होगा और ना ही उनमें संस्कार होंगे। वैसे मित्रों, अभी कलयुग का ये पहला चरण ही चल रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि अभी कल्कि अवतार होने में समय है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये दावा करते हैं कि भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है और भगवान कुछ समय बाद सबके सामने आएंगे। दसवां, मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं
कि सनातन धर्म में कालचक्र को चार युगों में विभाजित किया गया है और द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण बैकुंठ लौट गए थे तब धरती पर कलयुग की शुरुआत हुई। ऐसे में जब भगवान कल्कि पापियों का सर्वनाश कर देंगे और वो भी बैकुंठ लौट जाएंगे तो धरती पर भयंकर प्रलय आएगी और यहाँ से जीवन खत्म हो जाएगा। लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी जिसके बाद पुनः जीवन की स्थापना होगी और फिर उस युग को सतयुग कहा जाएगा। मित्रों, ये वो युग होगा जिसमें हर तरफ धर्म का ही बोलबाला होगा। लोग बच्चों की तरह सच्चे मन वाले होंगे और उनके मन में एक दूसरे के प्रति बैर नहीं बल्कि प्रेम होगा और वो ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। सबसे खास बात ये कि माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष तक और उसकी लंबाई 40 से 45 फीट तक होगी। तो मित्रों, ये थी कल्कि अवतार से जुड़ी वो 10 बातें जिनसे अधिकतर लोग आज भी अनजान हैं। तो आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ इसे साझा अवश्य करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।